परमहंस चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी किभली भावरे परम विष्णु भक्त वैष्णवकुल सम्राट महाराज परीक्षित शुणले श्रीमद भागवत अमृतमय कथा कहीं शुणले सुंदर भावरे से चतुर्थ अध्याय कहु शनकादि मुनि मानकर प्रश्न रे सुत कहउचंती स्त्री शूद्र जन ये जगते गोविंद स्त्री शूद्र जन ये जगते गोविंद योग्य नुहंती वेद पथे गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद गोविंद ताहंक निस्तारण अर्थे गोविंद उपाय चिंती दया चीते गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद गोविंद बुद्धिमंदरे वेद मंथी गोविंद भारत पद बंधे गुंथी गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद गोविंद बेदुधारी सार अर्थ गोविंद सृजिले पुराण भारत गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद गोविंद ओ श्रीमद भागवत भगवान की त्रेतय युग भोग अंते द्वापर युग उपगते पराशरंक बीर्जुजुते योजन गंधा गर्भगते विष्णुर अंश व्यास मुनि जन्मिले नरदेह गिनी पराशर ऋषि तपस्यार पुत्र होती भगवान वेदव्यास जिकि योजन गंधाकर गर्भरु आविर्भाव होते साक्षात व्यासाय विष्णु रूपाय से तो सीधासलख भगवान अवतार कहले अत्युक्ति हेनी कहना व्यासाय विष्णु रूपाय तो जितने जान लें ये कली युगरे स्त्री शूद्र एम वेद पाठ करने सक्षम हो पारे ना अवश्य आजिकल समस्ते जदिओ न पढ़ी पार्टी कि दृढ़ निष्ठा बल गुरु कृपा बल केतेक समर्थ हेले तथापि तो स्त्री शूद्र जन ये जगते योग्य नुहंती वेद पथे ताहांक निस्तारण अथे ये समस्त उद्धार गोटे रास्ता जी भगवान भागवत होती वेदर निर्यास जमिति आपण एते गुड़िए फल पाइबा अपेक्षा तार जुस्ट की पाइले चढ़ा चढ़ा खूब शीघ्र आम गर्भ को चली जा पेट को चली जामी वेद रूपी कल्पवृक्षर परिपक् फल होती श्रीमद भागवतम आपण चार वेद ताते केते वेदर उपनिषद बा संहिता अच्छी ये समस्त को पाठ करने अपेक्षा जदि श्रीमद भागवत को आम आस्वादन करदे ये हूँ वेद रूपी कल्पवृक्षर परिपक् फल ये फल को खाइबार ना पीबतांग भागवत रसमालय मुहुर रसिका भूबि भावुका पीबत आपको पी जाओ जिते पार पीबार अच्छी तेणु यी जाति धर्म वर्ण निर्विशेष कि नारी कि पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समस्त वेदर उद्धार कर भगवान वेदव्यास श्रीमद भागवत रूप से आज आम मान पाखे पहुँचे पवित्र सरस्वती नदी कूल जे निश्चल मन कर तपस्या करते जहाँ चित्त स्थिर हो ना बेले जाई देवर्षि नारद पदार्पण करते व्यास मुनि को आम कोटि कोटि प्रणाम निवेदन करवा तेब आसतु कौन कहले देवर्षि नारद से कथा को आम पंचम अध्याय आस्वादन करवा पंचमे नारद प्रवेश गोविंद व्यास को देले उपदेश गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद गोविंद हरि कीर्तन भागवत गोविंद कर प्रसन्न हेब चित गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद गोविंद बोले श्रीमद भागवत भगवान की जय आमे समस्ते शांति चाहे आमे समस्ते प्रसन्न रहिबा को चाहे किंतु भक्त बंधु गुड़िए टंका रोजगार कले जड़े प्रसन्न हो पारना आपण अर्थ बदल सुंदर घर तैयारी करेंगे किंतु कौन शांति किणीपरि आपण अर्थ बदल बहुत सुंदर भल दामिकिया मेडिसिन किणीपर किंतु सुंदर स्वास्थ्य कौन किणीपर आपण अर्थ दे कि सर्टिफिकेट किणीपर कि ज्ञान किणीपर ना तेणु अर्थ सर्वस्व मन करुवा बंधु मैंने
व्यक्ति माने भावंतुन जे अर्थ ही मो पाखे अच्छी मुझे ना ताकि ये टिके छुंची मुनरे मुने आम सांगे जीवनी तेणु प्रकृत प्रसन्न रहिबार मार्ग श्रीमद भागवत वेदव्यास कहते हरि कीर्तन भागवत कर प्रसन्न हेव चित्त तेणु सुत कहते हे मुनिषि माने सावधान होकर आपणतु ये अमृतमय कथा जितेबाला भगवान वेदव्यास मन दुख से अच्छा देखु वेदव्यास ये वेद को भागभाग कर ना वेदव्यास जिते पारा पुह तरुण पुह पल मनरे दुख हवा स्वाभाविक मन दुखें आज श्यामाप्रसाद आश्रम अच्छा यही समय देवर्षि नारद पहुँची पहुँचिकी कौन कहले हे परा सर ऋषि तुम्हें स्वभावे भागवत गोविंद 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 पदुगड़ुछे मकरंद किंपा चांचल्य तुम्भ माने देखी जानिलु आम्भे ध्याने गोविंद 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 पदुगड़ुछे मकरंद सकल वेद शिष्य दे पुराण भारत भियाई गोविंद 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 पदुगड़ मकरंद बोली सच्चिदानंद भगवान की देवर्षि नारद कहते व्यास जी आपण बड़ चिंताग्रस्त अच्छा आपण चित्तर चंचलता आज सृष्टि ए कथा को आम ध्यान बल जापर कहना देवर्षि नारद भी आम पूर्व शुणुले ये भी भगवान अवतार नारद कहले व्यास जी आपण हूँ साक्षात भगवान हेले आपण चिंत चित्त बर्तमान चंचल स्थिर है कहीं आपण अनेक शास्त्र रचना कर शिष्य मान को वेद को कले चारि खंड मध्य भियाई कर्मकांड रुकुजु साम तर्व ए रूपे करी भिन्न भाव पंचम वेद इतिहास कले पुराण अष्टादश आपण अष्टादश पुराण रचना करेद को चारि भाग विभक्त करपण जो चारि मुख्य शिष्य पैल वैशंपायन सुमंतु इत्यादि को आपण बांटिकर दे शास्त्र जहाँ को जहाँ योग्यता देखिक पैल मुनि को आणिले गोविंद प्रथम वेद पढ़ाइले गोविंद 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 पदुगड़ मकरंद गोविंद जयमीन की देले श्याम गोविंद जजुजे बई संपायन गोविंद 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 पदुगड़ मकरंद गोविंद अंगिरा मुनि अथर्व णे गोविंद मो पितार मोहर सणे गोविंद 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 पदुगड़ मकरंद गोविंद पुराण अष्टादश देले गोविंद एमते कर्म संपादिले गोविंद 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 पदुगड़ मकरंद गोविंद बोली श्रीमद भागवत भगवान की जय सुंदर भाव कहते कहे आपण भगवान निजे हिकिरी जमिनी पैल वैशंपायन सुमंतु एम को चारि वेद को बांटिदे मोर पिता लोमहर्षण मुनि के अष्टादश पुराण दे सब दे सारापर अथच आपण मनरे चंचलता कौन पर कहीं अस्थिर आपण मनरे जिते देवर्षि नारद ये प्रश्नटी पचारिंट व्यासदेव कहले आपण तो साक्षात आपण भी भगवान अवतार टी कृपा कर आपण कहते कौन से कहते व्यासदेव कहते हे देवर्षि नारद आपण जी कथा कहले मु प्रकृति ये शास्त्र रचना कलापर मो मनरे शांति न आसवर कारण कौन आपण टे कृपा कर कहते कहीं आपण तत्ववेता आपण विष्णु महिमा भल भाव जानती आपण सर्वजीवं ईश्वर आपण कृपा कर मत कहीदिंतु कहीं आप गुण अतीत रूप बर्जित ये तीन लोक आपण स्वर्गमर्त्य पाताल आपण भ्रमण कर मोर भगवान कथा कीर्तन में कौटी त्रुटि रहा मु शास्त्र रचना करिवारे कौटी गलती रहा जे मुझे आज शांति पाईपरि टे कृपा कर आप कहते प्राणी बाह्य अभ्यंतरे जेसने
समीर संचरे गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद बोले श्रीमद भागवत भगवान की जेंति प्राणी मानकर भीतर आ बाहर पवन अछि आम भीतर अछि प्राण अपान ब्यान उदान समान इत्यादि दस प्रकार पवन अछि तो बाहर मध्ये आमे अम्लजान नौचे छाड़ुचे अंगरकाम्ल पवन भीतर अछि बाहर भी अछि तो सही भली भावरे आपण तीन लोक सबुठी आपण विराजमान करिसेंति तो आपण कृपा करी मते कही परिबे मोर ये संदेहर कारण कौन हो पारे काहेकि मते जो मत अशांति लगुच्छी यार कारण कौन नारद कौन कहते बड़ा सुंदर भाव नारद कहते भूमुनि सत्य ए वचन गोविंद तेणु संतोष न हे मन गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद गोविंद बोले सच्चिदानंद भगवान की जय आमे डाक्तर पाख को जीवा जदि रोग को लुचेवा ताहले कौन आम रोग निराकरण हो पार किपर तो देवर्षि नारद जन विशिष्ट वैद्य आसी पहुँची ये मनर जो चंचलता कह आनंद मुनि मोर जे मते मन हेब स्थिर मो मन कौन पाई अस्थिर रही आपड़ कहतु जिते भीतर कथा टी से कही आज व्यासदेव नारद कहते भो मुनि सत्य वचन तेणु संतोष न हे मन आपण जो संतोष नुहति सतकता कही कह शुणी कृष्ण निर्मल जस गुण जेणु न कल उच्चारण गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद जे धर्मे कृष्ण तो सनही से धर्म न अटाई गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद धर्म संपद कामर्थे जेते कहिल वेद पथे गोविंद 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 पदुगड़ुची मकरंद बोले श्रीमद भागवत भगवान की जय केले आपण धर्म करिया पाई संपद पाई काम चरितार्थ करिया पाई अनेक शास्त्र रचना करिसेंती किंतु काई कृष्ण निर्मल जस गुण जेणु नकल उच्चारण जदि कृष्ण गुण कीर्तन न कले शांति आसब कौटू क्या प्रकृति में शांति कौटी अच्छी आम समस्ते शांति खोजुचे समस्ते शांति खोजुचे किंतु भक्त बंधु आपण जदि कागज दुकान रे बही दुकान रे पहुँचिक मीठा खोजे मिल ना स्वीट स्टल पहुँचिक मीठा दुकान रे पहुँचिक आपण खोजे कागज कलम मिल तेणु ये संसार अन्य ना हूँ अश्वाश्वतम दुखालयम तो ये दुख ही केवल मिल कौन सुख ना निश्चय सुख अच्छी से सुख कौटी अच्छी जहाँ शरीर जो अनुभूति आमको मिले ता ना हूँ सुख मनरे जो अनुभूति मिले ता ना हूँ शांति आत्मार जो अनुभूति मिले ता ना हूँ आनंद तेणु भगवान ना सच्चिदानंद रूपाय विश्वत्पत्ति आदि हे तबे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः बोले श्रीमद भागवत भगवान की भगवान होती सत्चित आनंद से आनंदर घनीभूत विग्रह से परम कारणिक सद्गुरु बाबा श्री वैकुंठनाथ कहते सबु सुख मोक नाई पाई की रे सबु सुख मोक नाई पाई की सबु सुख मोक नाई पाई की रे सबु सुख मोक नाई पाई की रे सिए मोर सुख धाम सिए मोर मुक्ति काम सिए मोर सुख धाम सिए मोर मुक्ति काम ता बिना सुख आउ नाही की रे सब सुख मो को नाही पाई 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 की रे सब
सुख मो कन्हाई पाई की रे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। किड़े सुंदर कथा परम कारण के गुरुदेव बाबा से वैकुंठनाथ कहते कले सब सुख मो कन्हाई पाई की सीए मोर सुख धाम सीए मोर मुक्ति काम ताबिना सुख आउ ना कि भगवान को छाड़देले गुरुदेव को छाड़देले खांटी सुख आउ कौटी अच्छी आपण मैंने समस्त बुझी सारे जे आज ना खाद्य सुख अच्छी ना पिंधार सुख अच्छी ना भल करार सुख अच्छी ना भल गाड़ी चढ़वे सुख अच्छी ना अर्थ संचय कर सुख अच्छी यही सब क्षणिक सुख यूर प्राप्त होता है। असली सुख भगवत चरणारविंद समर्पित हवा तो आज सुंदर भाव भगवान वेदव्यास को देवर्षि नारद कहिले जदि ये जिह्वा भगवान नाम स्मरण नकला कीर्तन नकला ये कान रे भगवान कथा प्रवेश नहला ये पाद तीर्थ को गमन नकला ये हाथ किसी भल काम नकला आते गुड़े रचना कर कृष्ण कथा से रहा सी शास्त्र मूल्य कौन अच्छी केवल काकोचिष्ट सहित सामान जेबे जिह्वा वाक्य श्रम न करे कृष्ण गुण गान गोविंद 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 पदु गणुचि मकरंद जे वाणी जगत तारिणी ता छाड़ी अन्य जेबे भणी गोविंद 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 पदु गणुचि मकरंद ताहाकू बोली काकवाणी जहिरे गोविंद न सुनी गोविंद 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 पदु गणुचि मकरंद। बोले सच्चिदानंद भगवान की जदि ये जुहारे आम भगवान कृष्ण कथा टिके कीर्तन कले सब बेले अन्य कथाबार्ता हेले यहा काको काऊ का का कहिबा जा मनीष जीवन रे जदि भगवान कृपा करी मनीष जन्म देले जदि भगवान को संगे भाव नहला जदि प्रभु को गुण कीर्तन ये जुहा नकला तो श्रीमद् भागवत रे देवर्षि नारद कहते हे भगवान वेदव्यास शुणतु जदि भगवान को कृष्ण को गुण कीर्तन नकले जेबे ये जिह्वा वाक्य श्रम न करे कृष्ण गुणगान गुड़िए परिश्रम है गपीबारे हेले कृष्ण कथा ये तुंड टिके कहलानी ये जिह्वार टिके कृष्ण कथा बाहरलानी ताले से जिह्वार लाभ कण जहीं गोविंद न शुणी निश्चय काक तीर्थ शुणी काक उच्छिष्ट करदे जहाँ से खाद्य जमी का योग्य हुए ना तेणु उच्छिष्ट निपतित होता जो कुआ मैंने जहाँ को रुंडीभूत होकर गोटे अईंठा पकवा जहाँ ये शास्त्र गुड़ाक चर्चा करवास जदि कृष्ण नाई से शास्त्र मूल्य कौन अच्छे तेणु यूर शिक्षा मिलूँ देवर्षि नारद कहते व्यासजी आप अनेक शास्त्र रचना करते भगवान कृष्णकर विमल जश कीर्तन करना जो कृष्ण कथार आम सब शुणीचे जाणीचे आम ओडिया घरे घरे परिचित से भक्त चरण दास दिव्य कथा जो थे उद्धव चौथी सार कथा रही हे उद्धव कहिबटी गोपी नाथंकु हे उद्धव कहिबटी गोपी नाथंकु कर पल्लवर कनिष्ठ मुद्रिका कर पल्लवर कनिष्ठ मुद्रिका कंकण होइला भुजकु उद्धव कहिबटी गोपी नाथंकु हे उद्धव कहिबटी गोपी नाथंकु। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। भक्त बंधु शुणुले भगवान कृष्ण को प्रेम रे गोपी माने किभली तल्लीन हो जाते जे उद्धव को कहते उद्धव कृष्ण कथा दिने पढ़ुला मने भानु लगी जेने नलिनी स्वर्गर सलील पड़ी रवि तल तेसन हेलु गोपाणी हे उद्धव कहिबटी गोपीनाथ को कर पल्लवर कनिष्ठ मुद्रिका कंकण होइला भुजकु भगवान कृष्ण को झुरी झुरी बाँ हाथर काणी आंगुठी पिंधुवा मुदि गोपाणी मानक हाथर कंकण हो जाता देवर्षि नारद कहते हे व्यासजी तो ये हूँ कृष्णकर कथा आपण अनेक शास्त्र रचना करते बड़े
भगवान कृष्णकर विमल जश गान करनाई आपण को अशांति बोध होची आपण को मनर स्थिरता आसुनी तेणु आपण कौन करूँ ना भगवान कृष्णकर अमृतमय कथा कीर्तन करूँ कहीं प्रभु कृपा कर दिव्य सुंदर मनीष शरीर दे ये तुंड देर गुण कीर्तन करवा ये कर्ण देर कथा को श्रवण करवा ये हस्त कि भगवत कर्म करवा ये पाद निश्चय दैनिक दियो देवता दर्शन करने को तीर्थ दर्शन करने संत दर्शन करने जावा तेणु जदि ये सब कम नक ये जीवन थी लाभ कौन अच्छी से जगन्नाथ दास अति बड़ी जगन्नाथ दास आम मान सतर्क कर बारंबार चेतई ये मनुष्य जीवन रे लाभ केत मनुष्य जन्मे अच्छे लाभ गोविंद जेबे गोविंदे करे भाव गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद गोविंद मनुष्य जन्मे लाभ नाही गोविंद जेबे गोविंदे भाव नाही गोविंद 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 पदु गळुछि मकरंद गोविंद श्रीमद् भागवत भगवान की तो आम मान मनीष जीवन लाभ से मिल भगवान इड़े कृपा कर मनीष जन्म दे जो जन्म कि अन्न मानवापी के तपस्या दरकार अनेक जन्म तप फल मनुष्य जन्म मही तले खाइबा पीवा शोवा पिला छुआ जन्म करवा ये तो पशुपक्षी कर पशुपक्षी भी खाई शोवा अच्छी सतान सतति अच्छी सी भी भय कर मृत्यु मुखर पड़ुंट आ मनीष कौन ये संसार को आसीला आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य पशु भी नाराणा धर्म ये सा मधिक विशेषा धर्मेण हिना पशु भी समाना आज देवर्षि नारद से कहते परमहंस मुनि मेले जे था पुण्यतीर्थ कूले जे वाक्य कृष्ण गुण गाय निश्चय पुण्यतीर्थ से भगवान गुण कीर्तन करवा हूँ तीर्थ कहीं आपण मैंने केवे गंगा को गले स्नान कले आपण को गंगा फल स्नान मिल जमुना को गले स्नान कले जमुना फल स्नान मिल तीर्थराज आपड़ जा पहुँचे विशाल क्षेत्र बद्रीनाथ धाम सरस्वती जल को आप स्पर्श करें दर्शन करें किंतु श्रीमद् भागवत श्रवण करवा मात्रे दर्शन करवा मात्रे ये त्रिवेणी संगम होती गंगार कथा कह ये जमुना कूल प्रभु लीला करती सरस्वती नदी कूल में श्रीमद् भागवत रचना होती त्रिवेणी संगम आ भितर ये जो तीर्थ ये श्रीमद् भागवत हूँ आम मान चलती तीर्थ जदि आम अवगहन कले भागवत श्रवण कले तीर्थर स्नान आम मानक तेणु भक्त बंधु यही तीर्थ से स्नान कले सीना गंगार स्नान कले देहर मलि धोई किंतु ये तीर्थ से स्नान कले भागवत रूपी तीर्थ से स्नान कले आम मानक परम कल्याण हे तेज से तीर्थरे एमती आम स्नान करुवा पुणी परवर्ती कथा आम आगामी अध्याय श्रवण करवा आजपाई विरती।